हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। चलिए जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। थ्योरी क्लास का आज ये हमारा तीसरी क्लास है, जहां पे हम सेकेंड पार्ट बात करने वाले हैं पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। चलिए जल्दी कंफर्म करिएगा, एक्साइटेड हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कल क्लास क्यों नहीं था? बहुत बढ़िया। चलिए, काफी बच्चों का मैसेज आया, अच्छा लगा ये देख के कि हाँ मेरे बच्चे एक्साइटेड हैं और इस सीरीज के लिए इतना इंटरेस्ट बना हुआ, बहुत अच्छा लगा। चलिए आज की बिल्कुल बेटा, फार्मास्यूटिक्स भी आएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने अभी तक बात किया हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्दर हमने बात किया हमारा जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है उसके बारे में बात किया। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड रोहन, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी टफ, बट आई होप कि इस क्लास के बाद आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सर, हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टीच अस मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑल्सो अलॉन्ग विथ फार्माकोलॉजी ऑन जिट सीरीज, ओके, सो दैट वी कैन कोरिलेट इजिली एंड अंडरस्टैंड बोथ सब्जेक्ट। ओके, चलिए बिल्कुल बेटा, आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ और जल्दी ही इसके बारे में हम जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि शायद हम दोनों क्लासेस को, मींस फार्माकोलॉजी विथ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट चीजों को हम लेके आ पाए। ओके सर, M3 तो कॉन्ट्रैक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो एक जगह पे डिट्रूजर मसल्स की जगह कॉन्ट्रैक्शन और एक जगह ट्राइगोन रिलैक्सेशन। बेटा, हमारा जो एस्टाइल कोलीन है यूरिनरी ब्लैडर में M3 रिसेप्टर के थ्रू वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ही करता है, लेकिन ये रिलैक्सेशन बहुत नाम के लिए करता है, इसका हमारा रिलैक्सेशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रेजेंट है थोड़ा सा वहां पे। देखिए बेटा, हमेशा आपके बॉडी में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो कहीं ना कहीं अपने जो उनका मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। ANS का टेस्ट बहुत खतरनाक लगा सर, अभी का बेस्ट क्वेश्चन थे सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, हमारा टारगेट यही है, जो मेरे बच्चे जानते हैं मैं उनको कोशिश यही करता हूं कि चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें और अच्छे वे में कैसे हम कोरिलेट करें इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप लोगों का बना था। एट्रोपिन नहीं बेटा, एट्रोपिन नॉन सेलेक्टिव है। चलिए गगन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको लगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा लगा भावना बेटा जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आया कि हाँ सर टेस्ट अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब मेरी मेहनत सफल हुई, हमारे टीम की मेहनत सफल हुई। एट्रोपिन सेलेक्टिव नहीं है बेटा, नॉन सेलेक्टिव है, बार बार बोलूंगा विष्णु आपकी बात पे। 8 क्वेश्चन गलत हुआ, ओके। चलिए आज की बात शुरू करें, लेकिन आज की बात शुरू करूं उससे पहले क्यों ना आप सभी लोग एक बार इस लिंक को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें, सबको ये पता चल जाए कि हाँ
क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब हमें क्लास ज्वाइन करना है। बेटा एसिटाइल कोलीन जीआईटी में म्यूकस रिलीज करता है एंड सर जी जिससे मूवमेंट इंक्रीज होता है। विंध्यवासिनी बेटा एसिटाइल कोलीन हमारा क्या करता है, दो चीजें करता है, एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ाता है और दूसरा हमारा क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ाता है। चलिए खुशी, बिल्कुल बेटा जीपैट 2024 का बैच का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको मिलने वाला है क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या है, बहुत सारे बच्चे, मेरी बात सुनिएगा, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हमको फाइनल ईयर में मिलते हैं, मेरी बात सुनिएगा, जब फाइनल ईयर में मिलते हैं ना तो उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत क्लियर कट बोलूंगा बेटा, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आप लोग भी इस चीज से एग्री करोगे कि हमारा जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट है आज की डेट पे वो बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। और जब वीक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होता है तो कहीं ना कहीं फिर उनको हमें तैयारी कराने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग जाता है और शायद कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए और बच्चों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। अब इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम क्या करने वाले हैं, बिगनिंग से टारगेट करने वाले हैं कि हम जब शुरुआत से बच्चों को कहते हैं ना बेटा, देखो जब एक कुमार होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो पहले मिट्टी लाता है, उसको पानी डाल के बनाता है, फिर वो उससे घड़ा बनाता है, तो उसके बाद जो घड़ा बनता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा बनता है। सेम चीज एजुकेशन में होती है बेटा कि अगर किसी बच्चे का एजुकेशन थोड़ा सा इनिशियल एजुकेशन वीक है तो कहीं ना कहीं उसका फर्दर एजुकेशन में थोड़ी सी टफनेस उसको फील होनी स्वाभाविक है। तो इसीलिए जो हमारा ये बिगनिंग बैच स्टार्ट होने वाला है इसके लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली वो इन चीजों को कर सकते हैं। चलिए ओके आ जाइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एक बार इस लिंक को शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए बात करते हैं, मेरा YouTube लाइव आने का रीजन यही है आप लोगों के, सर आपकी वजह से स्टडी करने में बहुत हेल्प हो रहा है। चलिए थैंक यू बेटा, आ जाइए। लास्ट क्लास में हमने रिसेप्टर पढ़ लिया, रिसेप्टर पढ़ने के बाद अब उससे आगे की चीजें हमें समझना है, उससे आगे की चीजों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब बात आती है कोलिनर्जिक सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताइएगा, जब हमने लास्ट क्लास में बात किया कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक की बात किया तो हम अभी तक केवल और केवल क्या लेके चल रहे थे, एसिटाइल कोलीन लेके चल रहे थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब एसिटाइल कोलीन केवल लेके चल रहे थे तो एसिटाइल कोलीन किस रिसेप्टर पे कैसे काम कर रही है वो सारी चीजें थोड़ी सी हमने समझ लिए हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर, अकॉर्डिंग टू द आर्गन। अब उसी चीज को हम फर्दर ये करने वाले हैं कि हमारी और कौन सी क्लासिफिकेशन की ड्रग है। एसिटाइल कोलीन से रिलेटेड हमारी और कौन सी ड्रग हैं जो हमारी कोलिनर्जिक सिस्टम में काम करती हैं, उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अब हमारी जो ड्रग होंगी वो दो क्लासिफिकेशन में आती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। इन दोनों का मतलब क्या है, मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ बेटा डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम बच्चों का रिस्पॉन्स यहीं पे मिल जाता है कि नहीं बेटा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टफनेस आ जाती है बच्चों को थोड़ा सा। सुनिएगा, हमने अभी तक ये बात किया था कि एसिटाइल कोलीन हमारे दो टाइप के रिसेप्टर पे काम करता है, या तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करता है या तो मस्कारिनिक रिसेप्टर पे काम करता है। अब निकोटिनिक मस्कारिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलीन काम की तो एसिटाइल कोलीन को हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट एक्टिंग बोल दिया। या हमारी सपोज कोई ड्रग ए है, कोई ड्रग बी है, कोई ड्रग सी है, अगर ये ड्रग भी मेरे इन रिसेप्टर पे डायरेक्टली बाइंड होके काम कर रही हैं, तो इन ड्रग को भी मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्टली एक्टिंग बोलूंगा। अब अगर सपोज कोई ड्रग ऐसी है जो मेरे इन रिसेप्टर पे, कोई भी रिसेप्टर हो जाए, मैं बात नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि एन लिखा हूं तो एन एन आएगा या केवल एन एम आएगा या एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, कुछ भी,
हो सकता है। तो यहां पे हमने क्या बोला, नहीं बेटा यही कंफ्यूजन अम्बरीश दूर करना है, इनडायरेक्टली एक्टिंग इज नॉट एंटीकोलिनर्जिक। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा भावना, हमने बोला कि एसिटाइल कोलीन या कुछ ड्रग ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना काम प्रोड्यूस करती हैं, एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, तब उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग बोलते हैं, पहला चीज। अब जब इनडायरेक्टली एक्टिंग की बात करूंगा तो सुनिएगा, पहले थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए जो मैं चीज समझाने वाला हूं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलीन का मेटाबॉलिज्म कौन कराता है, आप लोगों ने बोला सर कोलीन स्टेरेज कराता है, याद आया कि नहीं याद आया, सीएचई हमने पढ़ा था कि कोलीन स्टेरेज मेटाबोलाइज कराता है, बिल्कुल सही बात है, और मेटाबोलाइज करने के बाद वो उसको कोलीन कोलीन और एसिटाइल या को ए में चेंज कर देता है, याद आ रहा है कि नहीं। एसिटाइल कोलीन का हाइड्रोलिसिस करके ब्रेकडाउन करके कोलीन प्लस एसिटाइल कोए में चेंज कर देता है। अब जो ड्रग मेरी इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, ध्यान से सुनिएगा, जो ड्रग मेरे इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी उस ड्रग को मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्टली एक्टिंग बोलूंगा। मतलब ये जो मेरी ड्रग होगी, सपोज मैंने यहां पर ड्रग का नाम दिया डी, मेरी डी ड्रग क्या कर रही है, इस एंजाइम को, कोलीन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। अगर ये इनहिबिट हो गया प्यारे बच्चों तो एसिटाइल कोलीन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब अगर एसिटाइल कोलीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उसका एक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, एसिटाइल कोलीन का एक्शन बढ़ेगा। मतलब मेरी इस डी ड्रग ने एसिटाइल कोलीन के एक्शन को बढ़ाया, कैसे, बाय द इनहिबिटिंग द एंजाइम नोन एज द कोलीन स्टेरेज, इट डी ड्रग इनहिबिटेड द कोलीन स्टेरेज एंजाइम, ये इनहिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अब ये ज्यादा से ज्यादा मेरे एम रिसेप्टर या एम रिसेप्टर पे जाके काम करेगी जिससे मेरा इसका एक्शन बढ़ा। तो इसने क्या काम किया, जो इनडायरेक्ट वाली है उन्होंने केवल और केवल कोलीन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट किया। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा मेरी बात समझ में आई कि नहीं, डायरेक्टली मींस डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट मींस अदर मैकेनिज्म एक्ट द रिसेप्टर एंड एक्शन प्रोड्यूस, नहीं बेटा अदर मैकेनिज्म एक्ट द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगी इनडायरेक्ट एक्टिंग, किस पे काम करेंगी बेटा, एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, जो हमारा मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है ना इसको इनहिबिट कर रही है, और मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जब मेरा इनहिबिट हो गया तो उससे एसिटाइल कोलीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपके माइंड में अगर कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, यू कैन से डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग डायरेक्टली एक्ट ऑन द निकोटिनिक और मस्कारिनिक रिसेप्टर, और वी कैन से इट एक्ट ऑन डायरेक्टली ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, डायरेक्ट एक्टिंग हो गई। इनडायरेक्ट एक्टिंग पूछा गया तो क्या जवाब दोगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलीन, इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलीन बाय विच दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलीन, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्टिंग। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये मेरी इनडायरेक्ट एक्टिंग को हम एंटी कोलिनर्जिक बोलेंगे, नहीं बेटा एंटी कोलिनर्जिक बोलने का मतलब क्या हो गया कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मेरी क्या करेगी, निकोटिनिक रिसेप्टर या मस्कारिनिक रिसेप्टर इनको इनहिबिट करेगी, अगर ये इनहिबिट हो गए तो कोलिनर्जिक एक्शन कहां रह गया, तो इसलिए मैंने बोला कि यहां पे मेरी ड्रग आएगी एंटी कोलीन स्टेरेज। अभी मैंने बात किया ना कि मेरा जो एंजाइम है कोलीन स्टेरेज उसको इस क्लास की ड्रग ने इनहिबिट किया, इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलीन, इनडायरेक्ट एक्ट ओनली एंजाइम एंड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलीन। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, इट्स वर्किंग बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। ये कहानी समझ में आ गई। आगे अब बात करें, अब अगर आपसे क्लासिफिकेशन बोला गया दैट मींस कोलिनर्जिक ड्रग इज टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्टिंग सिंपली आप बोलो डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द निकोटिनिक और मस्कारिनिक रिसेप्टर, इनडायरेक्ट एक्टिंग मींस इट इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलीन। बस चलो अब एक एक करके बात करते हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग अब मेरे पास दो क्लास में आ गई, कौन सी दो क्लास आ गई ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली मेरी क्लास वहां पे आई
जिसको हम बोलते हैं क्या सर, हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलीन एंड नॉरएड्रेनालिन बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है, तो इन ड्रग की जरूरत क्या हुई? धर्मेंद्र, पहली चीज तो यही पॉइंट आया, दीज ड्रग आर गिवन व्हेन आवर बॉडी शोज सम एबनॉर्मल फंक्शन। अगर नॉर्मल है तो मुझे इन ड्रग की जरूरत ही नहीं है। इन ड्रग की जरूरत कब आएगी? जब मेरे एसिटाइल कोलीन का फंक्शन क्या है, एबनॉर्मल है, एसिटाइल कोलीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तभी तो हम इनको दोगे देंगे ना। ये हमारा पॉइंट आया, ठीक। तो डायरेक्टली एक्टिंग में जब मेरी बात हुई कोलिनेस्टेरेज के बारे में, यहां पे मेरे पास आती है कौन सी, एबीसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीसीएम। एबीसीएम का मतलब क्या हुआ? एसिटाइल कोलीन, बेथनीकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलीन। क्या बोले? एसिटाइल कोलीन, बेथनीकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलीन। दीज बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए तो ये पॉइंट हमें याद हो गया। डायरेक्टली एक्टिंग में क्या बोले? कोलीन एस्टर, मतलब ये जितनी ड्रग हैं, ये जितनी ड्रग की बात हो रही है, ये सब कोलीन एस्टर डेरिवेटिव हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, हमने बोला एल्केलॉयड, कुछ ड्रग हमारी एल्केलॉयड क्लास की आती हैं जो डायरेक्टली हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं। कौन कौन सी बाइंड करती हैं? ठीक है, इसको हम पाम नाम से याद करते हैं। पाम, पाम बोले मतलब जो पैरासिंपैथेटिक पे एक्ट करती हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। मैं सिंपल बोलता हूं, पिलोकार्पिन, मस्कैरिन एंड एरिकोलिन। पिलोकार्पिन, मस्कैरिन एंड एरिकोलिन, ये मेरी ड्रग हो गई। डबल ए भी कार में मीठा पिलो। ओके कृष्णा, थोड़ा एंटीवायरल भी करा दो बेटा। थोड़ा क्यों कराएंगे उत्तम, जब एंटीवायरल कराएंगे तो पूरा कराएंगे ना। चलिए आ जाइए, मैप याद रखो, बिल्कुल याद रखो। निकोटिन भी आप यहां लिख सकते हो, चाहो तो निकोटिन भी लिख दो तो गलत नहीं है। निकोटिन भी मेरा एल्कलॉयड होता है और डायरेक्टली एक्टिंग में आता है। चलो अब बात करते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज और इनडायरेक्ट एक्टिंग। मेरी जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है बच्चों, वो दो क्लास में आती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। किस क्लास में? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्लास में आती है। रिवर्सिबल का मतलब, अब रिवर्सिबल फर्दर मेरी दो टाइप। पहले रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? मतलब जो ड्रग हमारे कोलीन स्टेरेज पे बाइंड करे, रिवर्सिबल भी बाइंड करेगी, इरिवर्सिबल भी बाइंड करेगी। रिवर्सिबल विल बाइंड टू द कोलीन स्टेरेज एंजाइम एंड इट विल फर्दर रिमूव आउट, बाइंड करेगी, उसको इनहिबिट करेगी, बाद में वहां से रिमूव हो जाएगी, जिसके बाद मेरा कोलीन स्टेरेज एंजाइम फिर से काम करने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल। मतलब थोड़ी देर के लिए इनहिबिट हुआ, उसके बाद वो फिर से एक्टिव हो गया, इसको बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल। अब बात करो इररिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? जो ड्रग मेरी एंजाइम से बाइंड करे और बाइंड करने के बाद उस एंजाइम को ही खत्म कर दे, डिग्रेड कर दे, मेटाबोलाइज कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, उनको मैं क्या बोलूंगा? इररिवर्सिबल। मतलब ये इररिवर्सिबल ड्रग अगर कोलीन स्टेरेज से बाइंड हो गई तो वो फिर कोलीन स्टेरेज एंजाइम किसी काम का नहीं रह जाएगा, पूरी तरह वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। रिवर्सिबल एंजाइम दो क्लास में आती है, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। आप लिपिड सॉल्युबल याद आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये वो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग हैं जो ट्रिपल बी क्रॉस करेंगी। क्या करेंगी? जो ट्रिपल बी क्रॉस करेंगी, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हैं। कौन कौन सी हैं? फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन। कैसे याद करेंगे सुन लीजिएगा प्लीज बच्चों। लिपिड सॉल्युबल फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन। ये जितनी ड्रग हैं, ये जितनी ड्रग हैं, ये सब मेरी बात यूज होंगी कहां पे? जब मैं बात करूंगा एल्जाइमर डिजीज की। क्या बात करेंगे? एल्जाइमर डिजीज की बात करेंगे।
पेन वाली ट्रिक फॉर द वॉटर सॉल्युबल ड्रग। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, चलो याद तो आ रहा है आप लोगों को, आ जाइए। चलिए वेरी गुड, पेन वॉटर सॉल्युबल पेन, एकदम सही बोल रहे हो, एकदम आप सही बोल रहे हो। मतलब पाइरिडोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन इड्रोफोनियम नियोस्टिग्मिन, इसको हम बोलते हैं क्या, वॉटर सॉल्युबल। जब आप पेन से लिखते हो, चलो कैसे याद करोगे सुनो, जब आप पेन से लिखते हैं तो वो हमारी क्या करती है, जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन में जब पानी गिर जाता है, जब पेन से लिख दिया, इंक है वहां पे, वाटर ड्रॉप गिर जाती है तो वो घुल जाता है, फैल जाता है, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्युबल बोलेंगे। तो अब याद याद रखोगे कि सारी हमारी लिपिड सॉल्युबल है स्टिग्मिन वाली, एक्सेप्ट पेन, पेन को छोड़ के बाकी सारी मेरी क्या है, लाइक फाइसोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, टैक्रिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामिन, ये सब मेरी ड्रग यहां पे आ गई। याद आई मेरी बात, चलो ये हो गई वाटर सॉल्युबल। याद करने की बात कर रहा हूं बेटा, मेरे साथ आप लोग अगर रिकॉल करते जाओगे ना तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं इररिवर्सिबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक बार एंजाइम से बाइंड किया तो वो एंजाइम किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये आती हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। पहली चीज समझ लो, ऑल इररिवर्सिबल इनहिबिटर नॉट यूज्ड क्लिनिकली, बात समझ लीजिएगा पहले, ये जितनी भी मेरी इरिवर्सिबल ड्रग आएंगी वो क्लिनिकली यूज नहीं होती, एक्सेप्ट, क्या बोले, एक्सेप्ट, ई फॉर एक्सेप्ट एंड ई फॉर इकोथियोफेट। इकोथियोफेट छोड़ के इस क्लास की जितनी ड्रग हैं वो ह्यूमन में क्लिनिकली यूज नहीं की जाती हैं। बात समझ में आई, क्लिनिकली छोड़ के ये हमारी, जैसे अब क्लिनिकली नहीं यूज होगी तो सर कब यूज होगी, इनमें या तो मेरी ये कोई इंसेक्टिसाइड होंगे, या तो कोई मेरे रोडेंटिसाइड होंगे, या तो कोई मेरे ये नर्व गैस होंगी, मतलब ये हमेशा टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग के केस में ही इंटेक की जाएंगी। मतलब क्या हुआ सुनो, मैलाथियन एंड पैराथियन, ऑर्गेनोफॉस्फेट में मैलाथियन पैराथियन दोनों मेरे इंसेक्टिसाइड हैं, इकोथियोफेट मेरा क्लिनिकली यूज होता है, और कहां पे यूज होता है बच्चों, ग्लाउकोमा में यूज होता है। कहां यूज होता है, ग्लाउकोमा में यूज होता है, टैबून सेरीन सेसोमैन, टैबून सेरीन सेसोमैन की बात करें, ये हमारी नर्व गैसेस होती हैं, टॉक्सिसिटी काम करती हैं। डाइजॉक्साइड डाइफ्लोज, ये हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड होते हैं, वॉर में यूज होते हैं, एकदम करेक्ट है आपकी बात बेटा। कार्बामेट्स में कार्बेरिल प्रोपोक्सर, कार्बेरिल प्रोपोक्सर मेरी आ जाती हैं, कार्बामेट्स आ जाती हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारा, सुनो थोड़ा सा रिकॉल करो, हां जी आई ड्रॉप इकोथियोफेट के रूप में दिया जाता है, बहुत बढ़िया, इकोथियोफेट भी मेरी वॉटर सॉल्युबल होती है, इसीलिए वो हमारी टॉपिकली यूज होती है। याद आ रही है चीजें मेरी बात बच्चों, अगर याद आ रही है तो प्लीज मुझे कंफर्म करते जाना कि हाँ हमारा रिकॉल हो रहा है। तो कैसे याद किए, चलो थोड़ा सा, अब जितना मैं बोलूं, अब यहां पे कोई नहीं देखेगा, मुझे देखिएगा, हो सकता है मैं ज्यादा स्मार्ट ना हूं लेकिन आप मुझे देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा। चलो हमने क्या बोला, हमारा कोलिनर्जिक ड्रग दो क्लास में डिवाइड हुआ, पहला हमने बोला क्या, डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा बोला इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग मेरी दो क्लास में डिवाइड हो गई, कौन कौन सी, एक मेरी हो गई कोलीन एस्टर, दूसरी मेरी हो गई एल्कलॉइड। कोलीन एस्टर की बात करेंगे तो कोलीन एस्टर में हमारी कौन सी आ गई, हमने उसके लिए बात किया, हमने उसके एबीसीएम की बात किया, एबीसीएम की बात किया, एसिटाइल कोलीन, बेथनिकोल, कार्बाकोल एंड मिथाकोलीन। नेक्स्ट मैंने बात किया क्या, एल्कलॉइड की बात किया, एल्कलॉइड में मैंने मैप से याद कर लिया मेरी आ गई कौन सी, मस्कैरिन आ गई, एरिकोलीन आ गई, पिलोकार्पिन आ गई एंड निकोटिन आ गई। ठीक, तो बात खत्म करो डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट एक्टिंग पे चलते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या हुआ, एंटीकोलिनेस्टरेज, एंटीकोलिनेस्टरेज मेरी दो क्लास में डिवाइड हो गई, पहले इरिवर्सिबल की बात करेंगे फिर इरिवर्सिबल की बात करेंगे। रिवर्सिबल अगेन दो क्लास में डिवाइड हो गई, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। बात करो सर लिपिड सॉल्युबल ड्रग कौन सी है,
फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामिन, हो गई मेरी। लिपिड सॉल्युबल, बात आई सर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल में पेन याद किया, क्या याद किया, वाटर सॉल्युबल में पेन याद किया, पेन याद किया, पेन से क्या याद आया, पाइरिडोस्टिग्मिन, हाइड्रोफोनियम एंड नियोस्टिग्मिन, पेन हो गई वाटर सॉल्युबल। बात करते हैं किधर, इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल अगेन दो क्लास में हो गई, एक मेरी ऑर्गेनोफॉस्फेट, दूसरी मेरी कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मेरी कौन कौन सी हो गई, मैंने बोला पैराथियन, मेलाथियन, इकोथियोफेट, टैबोन, सेरिन, सोमेन, ये मेरी हो गई ऑर्गेनोफॉस्फेट। वाइल में अगर बात करता हूं कार्बामेट्स, कार्बेरिल एंड प्रोपोक्सर, ये मेरी हो गई कार्बेरिल एंड प्रोपोक्सर। चलिए एक्रिडिन का टैक्रिन, बहुत बढ़िया बेटा मयूरी, वेरी गुड, एक्रिडिन का टैक्रिन, वही हमने बात किया, हमारा एक्रिडिन हमारी होती है, एक्रिडिन का टैक्रिन, जो हमारी टैक्रिन होती है ये एक्रिडिन क्लास की आती है, ये हमारी एक अलग क्लास थोड़ी सी बनती है, लेकिन उतने डीप में अभी मत जाओ, जितना बोला उतना याद करो। चलिए बेटा बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं। सर आप सॉल्यूशन फार्मेसी सर से अच्छा पढ़ाते हैं, बेटा देखो प्लीज देखो, मैं कभी किसी भी टीचर, जितने टीचर हैं आप करो ना करो, मैं पर्सनली अपने हर टीचर की रेस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज अगर वो टीचर बने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी चीजें तो उनमें क्वालिटी होंगी, तो हमेशा टीचर की रेस्पेक्ट करो, डोंट कंपेयर टू टीचर, क्योंकि बेटा अगर मैं आप में से दो बच्चों को कंपेयर करने लग जाऊंगा, नहीं यार ये बच्चा अच्छा है ये बच्चा नालायक है, तो मेरे टीचर होने का कोई मोटो नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे वाले को तो पढ़ाना ही है, लेकिन जो लास्ट बेंचर है जो आप बोलते हो उसको भी मुझे अपने पास तक लेके आना है, उसको भी मुझे क्वालिफाई कराना है, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ टॉपर को टारगेट किया तो फिर मैं टीचर कहां रह गया, मैंने तो जस्ट और जस्ट एक स्टिमुलेशन किया, लेकिन हाँ अगर जो बैक बेंचर है उसको मैंने रिजल्ट क्वालिफाई कराया तो मेरे से तब मैं एक अच्छा टीचर कहलाऊंगा। तो इसलिए मेरा टारगेट यही है बेटा, हर बच्चे को, हमारा स्लोगन ही ये है जीडीसी का कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, मैं यहां क्यों हूं, आप सभी के लिए। चलिए क्लासिफिकेशन याद हुआ कि नहीं बच्चों, आगे बात करें, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा टैक्रिन बैन हो चुका है ड्यू टू द हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी होने की वजह से ये बैन हो चुका है। करेक्ट है बेटा, आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे बात करें। थैंक यू बेटा साक्षी, चलो सो ओके ओके ओके, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। हमने बात किया कि भैया हमारे क्लासिफिकेशन तो थोड़ा बहुत मुझे याद हो गई, अगर आपने मेरे साथ, मैंने बोला तो आपने भी बोला है तो जरूर याद हुई होगी, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन याद जरूर हुई होगी। अब बात आती है कि मेरी ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लास की ड्रग हैं, ये कहां क्यों कैसे किधर काम करती हैं, चलिए पता करके निकालते हैं, चलिए ढूंढ के लाते हैं कहां खोई हुई हैं, खोद के लाते हैं, आइए मेरे साथ आइए। तो मैंने क्या बोला, मेरी जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है कहां काम करेंगी, जस्ट पहला चीज, एक चीज दिमाग में बैठा हो कि ये जितनी भी ड्रग है ये एसिटाइल कोलीन के कंसंट्रेशन को, मतलब जहां एसिटाइल कोलीन काम कर रही है वहां ये काम कर रही होंगी, मतलब ये सिमिलर एक्शन एसिटाइल कोलीन के जैसे कर रही होंगी, ठीक है। आ जाओ, पहली आ गई नेचुरल एल्कलॉइड एसिटाइल, को हमने बात किया मस्कारिन, बात किया निकोटीन, बात किया पिलोकार्पिन, एरिकोलीन हो गया, सिंथेटिक में हमारी मेथाकोलीन, मेथाकोलीन, कार्बाकोल, मेथनिकोल हो गई, ठीक है चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब कुछ ड्रग इंडिविजुअल ले लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पिलोकार्पिन used या पिलोकार्पिन पैरासिंपैथेटिक ड्रग एक्ट ऑन, कहां काम करती है बेटा, आई, भगवान ने दी है इतनी अच्छी चीज दुनिया देखने के लिए, आई पे काम करती है पिलोकार्पिन, कब देंगे ये पॉइंट है। अब मुझे बताओ, यहां मत देखना प्लीज, मत देखना, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अगर मैंने बोला कि मैंने पिलोकार्पिन यूज किया तो मेरे आई पे क्या कर रही होगी, मायोसिस कर रही है या माइड्रेसिस कर रही है, प्लीज बच्चों जल्दी कंफर्म करो, मायोसिस कर रही है या माइड्रेसिस कर रही है, बहुत बढ़िया, ACH नेचुरल है, हाँ मेरे बॉडी में बन रहा है तो वो मेरे लिए नेचुरल है,
आई प्यूपिल पे काम कर रही है, बिल्कुल बात ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे जो पूछा आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, लवली आंसर, माइओसिस कर रही है। क्यों कर रही है वो भी आपको पता है कि भाई ये आई पे काम कर रही है। आई पे रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? आई पे रिसेप्टर प्रेजेंट है मस्कैरनिक का M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर की मैकेनिज्म क्या है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। कौन सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करा रही है? ये हमारा पिलोकार्पस जैबोरेंडी प्लांट का नाम है। पिलोकार्पस जैबोरेंडी प्लांट से ऑब्टेंड होती है, पहला पॉइंट हो गया, पिलोकार्पस जैबोरेंडी से ऑब्टेंड होता है प्लांट हमारा, ये हो गया। एंड मेनली यूज्ड फॉर द ग्लाउकोमा। क्यों भाई? आगे ग्लाउकोमा भी आज पढ़ेंगे, सुनिएगा। ग्लाउकोमा में ये मायोसिस करती है। मायोसिस करने का रीजन क्या है? कि जब वहां पे वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, हमारे आई को कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उसकी वजह से जो हमारा प्रेशर है, एक्वस ह्यूमर कंसेंट्रेशन है, वो डिक्रीज होगा, एक्सक्रीशन बढ़ेगा, जो आगे बताऊंगा। बस अभी इतना याद रख लो। क्या बोले? पिलोकार्पिन ऑब्टेन फ्रॉम द पिलोकार्पस जेबरेंडी एंड एक्ट ऑन द M3 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द आई कॉजेज द एक्टिव मायोसिस। इतना याद कर लिए, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी आई कार्बाकोल। कार्बाकोल हमारी सिंथेटिक ड्रग है। क्या है? कार्बाकोल हमारी सिंथेटिक ड्रग है। कार्बाकोल याद आते ही पता नहीं क्यों मुझे ये याद आने लगता है। आपको याद आया कि नहीं प्यारे बच्चों? कार्बाकोल का मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया। कार्बाकोल का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बेटा, ये एल्कलॉइड है। बिल्कुल आपकी बात एकदम करेक्ट है। सर्कुलर मसल्स ऑफ आई कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एक्टिव मायोसिस। बहुत बढ़िया बेटा वंशिका। कार्बाकोल याद आते ही मुझे कॉमन याद आया, मतलब ये मेरी ऐसी ड्रग है जो निकोटिनिक और मस्कैरेनिक दोनों पे इक्वल काम करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन ड्रग बोल रहे हैं, ये कॉमन इफेक्ट बोल रहे हैं, ये कॉमन एक्शन ड्रग बोल रहे हैं। ठीक, सी फॉर कार्बाकोल, सी फॉर कॉमन। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट बोला बेथेनिकॉल। क्या बोला बच्चों? बेथेनिकॉल। बेथेनिकॉल से मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज याद दिलाया था कि बेथेनिकॉल मतलब बी फॉर बेथेनिकॉल, बी फॉर ब्लैडर। जैसे सी फॉर कॉमन, सी फॉर कार्बाकोल पढ़ा, वैसे ही बी फॉर बेथेनिकॉल एंड बी फॉर ब्लैडर पढ़ा। मतलब हमारी बेथेनिकॉल, वेयर इट विल एक्ट, बेथेनिकॉल विल एक्ट ऑन द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। चलिए, मैंने ये बता दिया कि ब्लैडर पे काम करेगी, बट हाउ? जस्ट प्लीज आंसर में, कैसे काम करेगी? इट विल एक्ट ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हैव द M3 रिसेप्टर, याद आ रहा है? M3 रिसेप्टर। बाय द M3 रिसेप्टर इट कॉजेज द टू एक्शन ऑन द डिट्रूजर मसल्स एंड ट्राइगोनल मसल्स। इन द डिट्रूजर मसल्स इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन एंड इन द ट्राइगोनल मसल्स इट कॉजेज द रिलैक्सेशन। आफ्टर दिस व्हाट विल यू विल गेट? यू विल गेट यूरिनेशन। मिला कि नहीं मिला बेटा? बेटो जल्दी बताओ, यूरिनेशन का एक्शन मिला कि नहीं मिला? कि यूरिनेशन कराएगी, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्टिक करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे हमें मिक्चुरेशन या यूरिनेशन देखने को मिलेगा। बात खत्म। ब्लैडर, M3 रिसेप्टर, और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है? यूरिनरी रिटेंशन के लिए। क्यों भाई? जब किसी पेशेंट का, अभी आपने एक पूछा था ना बेटा कि सर अगर हमारे ये बॉडी में प्रेजेंट है तो हम इसको बाहर से क्यों देते हैं, हम इसको बाहर से क्यों देते हैं? अब एग्जांपल समझो, मान लो एक पेशेंट है जिसका यूरिनेशन नहीं हो रहा, सुनिएगा, जिसका यूरिनेशन नहीं हो रहा, मतलब यूरिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से इलिमिनेशन नहीं हो रहा। अब उस केस में क्या करेंगे? बेथेनिकॉल देंगे। ये क्या करेगी? हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी डिट्रूजर मसल्स पे, जिसकी वजह से यूरिनेशन होगा। अब हम इसको देंगे, इस केस में देंगे। समझ गए मेरे बात? चलो बेटा बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। मस्कैरिन की बात करते हैं। अच्छा, मस्कैरिन का नाम याद आते ही एक चीज समझ में आया कि नहीं भाई, कि मस्कैरिन है तो ये मेरे मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे काम करेगी। किस पे काम करेगी? मस्कैरेनिक रिसेप्टर। अब वो मस्कैरेनिक रिसेप्टर M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, या M3 हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन मस्कैरेनिक पे ही काम करेगी। यहां पे मैं अब M1 सिर्फ नहीं बोलूंगा,
M1, M2, M3 किसी पे भी काम करेगी। अच्छा, छूट गया क्या? चलो अच्छा, उस पे जाने से पहले, ठीक है, अच्छा याद दिलाए, उससे जाने से पहले इसको ले लो, मेथाकोलीन। पता नहीं क्यों मेथाकोलीन याद आते ही मुझे मायोकार्डियम क्यों याद आ गया। आप लोगों को याद आया क्या मायोकार्डियम? बोलो बेटा जल्दी, मायोकार्डियम याद आया। और मायोकार्डियम याद आया तो मायोकार्डियम का मतलब क्या हुआ? हार्ट। मायोकार्डियम लेयर कहां होती है? हार्ट में। और हमारा जो एसिटाइल कोलीन है वो हार्ट में क्या कर रहा था बच्चों? वो हार्ट में प्रेजेंट जो हमारा M2 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर के थ्रू ब्रैडीकार्डिया कॉज कर रहा था। प्लीज बताइएगा, मैं क्या कर रहा था? M2 रिसेप्टर के थ्रू ब्रैडीकार्डिया कॉज कर रहा था, याद आ गया। सिमिलर मेथाकोलीन भी वही काम करेगी, मतलब मेथाकोलीन मेरे M2 रिसेप्टर पे एक्ट करते हुए क्या करेगी? ब्रैडीकार्डिया कॉज करेगी। अब बोलो सर ब्रैडीकार्डिया क्यों कॉज कराना है? भैया ब्रैडीकार्डिया कॉज नहीं कराना है, हमें ब्रैडीकार्डिया इसलिए चाहिए इफ द पेशेंट हैव द टैकीकार्डिया सिचुएशन। एक पेशेंट है जिसका हार्ट बहुत तेजी तेजी उसमें हार्ट रेट चल रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज हो रहा है, या मैं बात करूं कंडक्शन बहुत तेज हो रहा है, उस केस में मैं मेथाकोलीन दे दूंगा जिससे मेरा हार्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ब्रैडीकार्डिया कॉज हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़े, आ जाओ। मैंने बोला मस्कैरिन, मस्कैरिन हमारा M1, M2, M3 किसी भी रिसेप्टर पे काम करेगा। मस्कैरिन मेरा क्या होता है बेटा? ये मेरा एल्केलॉइड है। अब एल्केलॉइड है तो इसका कोई ना कोई सोर्स होगा, तो इसका सोर्स क्या होता है? मस्कैरिया एमेंसिया, पढ़ा होगा आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में। मस्कैरिया एमेंसिया की बात करते हैं, मस्कैरिया एमेंसिया हमारा उससे ऑब्टेंड होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। इस प्लांट को क्या बोलते हैं? मतलब मस्कैरिन किससे मिलती है? मशरूम से मिलती है। प्यारे बच्चों किससे मिलती है? मशरूम से मिलती है। मतलब अब सुनिएगा, मशरूम से मिली, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मशरूम से मिल गई। लेकिन अब अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी पेशेंट ने मशरूम की पॉइजनिंग हो गई, पेशेंट में मशरूम की पॉइजनिंग हो गई, अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अब क्या होगा भैया? मस्कैरिन ज्यादा होगा, मशरूम ज्यादा हुआ तो मस्कैरिन ज्यादा होगा, मस्कैरिन ज्यादा होगा तो M1, M2, M3 रिसेप्टर पे उसका एक्शन ज्यादा होगा। उस केस में हम क्या करेंगे? थियोटिक एसिड देंगे। क्या देंगे? थियोटिक एसिड देंगे। सर इफ एनीवन टेक मेथाकोलीन ड्रग एंड आफ्टर पर्सन डूइंग रनिंग देन हार्ट रेट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। धर्मेंद्र बेटा आप पहले तो प्रैक्टिकल करने चले गए यार, कोई बात नहीं, सुनो। अगर बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट ने मेथाकोलीन लिया हुआ है और वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका हार्ट रेट बढ़ेगा। सुनिएगा क्यों करेगा? बिकॉज जब वो एक्सरसाइज करता है, फाइट फ्लाइट फ्राइट की कंडीशन एक्टिवेट होगी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। हार्ट में हमने पहली चीज क्या याद की थी, थोड़ा याद करिएगा। जब मैंने शुरू में ANS का इंट्रोडक्शन बताया था बच्चों, तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि जब हमारे बॉडी की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हार्ट में मेरा M2 रिसेप्टर भी है और बीटा 1 रिसेप्टर भी है, लेकिन बीटा 1 ज्यादा एक्टिव है, और फ्लाइट फ्राइट फ्राइट की कंडीशन आते ही मेरा बीटा 1 एक्टिव होगा, एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? मेरा हार्ट रेट बढ़ेगा। भले मैंने मेथाकोलीन लिया हुआ है, मेथाकोलीन M2 पे काम करके ब्रैडीकार्डिया लाने की कोशिश करेगा, लेकिन कंडीशन वही आई, जिसकी पावर ज्यादा वो काम करेगा। यहां पे पावर किसकी ज्यादा है? एड्रेनलिन की पावर ज्यादा है बच्चों। बताइएगा मेरी बात अगर कंफर्म हो गई हो तो। चलिए ओके, पूरी कहानी आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलो बेटा, ये आपको समझ में आ गया तो क्या याद किया, थोड़ा सा रिकॉल कर ले एक बार। चलिए क्या हमने बोला? पिलोकार्पिन प्यूपिल पे काम कर रही है, M3 पे मायोसिस काम कर रही है, और हमारे ये
किसमें यूज होगी? ग्लाउकोमा में यूज होगी। बेथनीकोल ब्लैडर पे काम कर रही है, यूरिन आउटफ्लो बढ़ा रही है। मेथाकोलीन मायोकार्डियम पे काम कर रही है, कार्डियक को सप्रेस कर रही है। कार्बाकोल कॉमन एक्शन है निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक पे, दोनों पे इसका एक्शन मिलने वाला है। नाइपर कोर्स क्या है प्लीज टेल मी? बेटा आप अगर फार्मा फील्ड से होगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन फिर से पूछोगे बेटा दिनेश, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। डायरेक्ट हो गया बेटा, अब बात करने वाले हैं क्या? इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिंपैथेटिक ड्रग, इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिंपैथेटिक ड्रग, ठीक है? इनडायरेक्ट एक्टिंग, पहली चीज समझ में आ गई कि ये वो मेरी ड्रग हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगी, क्या करेंगी? एसिटाइल कोलीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगी। आइए हमने बात किया, दीज ड्रग एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइल कोलीन स्टेरेज, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। इसके इनहिबिशन की वजह से मेरा जो एसिटाइल कोलीन है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा यानी इसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब इसने इनहिबिट किसको किया था? एसिटाइल कोलीन स्टेरेज को इनहिबिट किया था, इसीलिए इस क्लास की ड्रग को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? एंटी कोलीन स्टेरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी कोलीन स्टेरेज बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसने क्या किया है? कोलीन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट किया है, ठीक? चलो ओके, अब हमने बात किया एंटी कोलीन स्टेरेज या तो रिवर्सिबल होंगी या तो इरिवर्सिबल होंगी। बात आती है कि सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है लेकिन सर ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है कौन कौन सी, क्या मुझे सारी ड्रग पढ़नी है? आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं फार्माकोलॉजी की कहानी। देखो हुआ क्या, रिवर्सिबल में हमने बात किया, देखो मैं सारी ड्रग नहीं लूंगा, मैं उन ड्रग को लूंगा जो मेरे लिए काम की है। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम, टैक्रिन, इनके हमने बात करने वाले हैं। इनमें से हमने जब बात किया फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन को इसरीन के नाम से पूछा गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया इसरीन, इसरीन इज द ड्रग ऑफ, वहां पे क्वेश्चन था कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक। मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज, मेरे प्यारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज, सर इसरीन क्या है? बाद में पूछते हैं सर इसरीन क्या है, और जैसे ही उन्होंने पूछा सर इसरीन क्या है, मैंने अपना सर पकड़ के पीट लिया। भैया इसरीन ये हमारा फाइसोस्टिग्मिन है, क्यों इसको इसरीन बोलते हैं सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसरीन की बात करते हैं, ये हमारा फाइसोस्टिग्मा वेनोमस से मिलता है, फाइसोस्टिग्मा वेनोमस से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? फाइसोस्टिग्मिन बोलते हैं। ये टर्सरी अमीन डेरिवेटिव है, क्या है? टर्सरी अमीन डेरिवेटिव है, और ये मेरे फाइसोस्टिग्मिन मेरे M1, M2, M3 सब पे काम करेगी। क्यों? डायरेक्ट नहीं करेगी, इनडायरेक्ट कराएगी। क्यों? क्योंकि ये एसिटाइल कोलीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, जितना एसिटाइल कोलीन बढ़ेगा उतना वो M1, M2, M3 पे काम करेगा। कोई डाउट है क्या? मत रखिएगा, ठीक? एसिटाइल कोलीन बढ़ा, वो M1, M2, M3 पे काम किया। अब आई पे बात करूंगा तो मायोसिस कॉज करेगी ही करेगी, ग्लाउकोमा में इसको हम यूज करेंगे, बाकी और भी जगह यूज करेंगे उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ये हमारी एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी यूज होती है, किसमें यूज होती है? एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी यूज होती है। सर बेथनीकोल तो इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्रज राजपूत बेथनीकोल, बिल्कुल बेथनीकोल की बात करूंगा तो बेथनीकोल में हमारा मेनली एक्शन ब्लैडर पे होता है, बट बेथनीकोल हैव द मेनली एक्शन ऑन द स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स चाहे मेरे ब्लैडर की हो, चाहे मेरे ब्रोंकाई की हो, चाहे मेरे GIT की हो, हर जगह काम करेगी। तो मैं ये कैसे बोल दूं कि नहीं हमारी ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर GIT पे काम करेगी? भैया मैं तो नहीं बोल सकता, बट बेथनीकोल हैव द मोर सेलेक्टिविटी
फॉर द M3 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ब्लैडर, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, चलो क्या बोला अब? ओके, हमने बोला एक चीज, मैंने आप लोगों को बोलना था, बोल गया कि भैया आप, उसमें मैंने बोला कि सर इसको इसरीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम इसरीन न्यूक्लियस बोलते हैं, बाकी किसी में ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए फाइसोस्टिग्मिन को इसरीन बोलते हैं। ठीक, नेचुरल होती है, फाइसोस्टिग्मा वेनोमस से मिलता है। सर ब्रेक हो रहा है, इजी फार्मा मेनली ब्लैडर। बेटा दिनेश, अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, नाइपर हमारे इंडिया के रेपुटेटेड फार्मा कॉलेजेस कहे जाते हैं, जहां से बच्चे नाइपर से मास्टर डिग्री ऑब्टेंड करते हैं, जहां पे आपको एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर मिलता है। ठीक, अब बेटा एक ही क्वेश्चन मत पुट अप करना प्यारे बच्चे, ठीक है? चलिए, बिल्कुल बेटा बात करता हूं, आ जाओ। नेक्स्ट आया नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन की बात किए, नियोस्टिग्मिन ये भी हमारी एंटीकोलिनेस्टेरेज है। बात आई कौन सी वाली सर? मैंने बोला बेटा वाटर सॉल्युबल, ये हमारी क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है। सुन लीजिए, जो भी क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड होंगी वो वाटर सॉल्युबल होंगी, या बोलूं वाटर सॉल्युबल क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड होंगी। दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग टर्शियरी अमीन डेरिवेटिव होंगी, और वाटर सॉल्युबल ड्रग क्वार्टनरी अमोनियम डेरिवेटिव होंगी। क्वार्टनरी अमोनियम, देखो क्या है क्वार्टनरी अमोनियम का मतलब समझिएगा, ये मेरा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में देखोगे तो चार ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्वार्टनरी अमोनियम। वाइल अगर दूसरे एंगल में बात करूं, इस एन की बात करूं या इस एन की बात करूं, तो इसमें तीन ही लगे हुए हैं, इसलिए फाइसोस्टिग्मिन टर्शियरी अमीन डेरिवेटिव एंड नियोस्टिग्मिन इज द क्वार्टनरी अमोनियम डेरिवेटिव। अब बोला क्या कि अगर ये क्वार्टनरी अमोनियम डेरिवेटिव है तो इसकी साइज बड़ी हो गई और ये नेचर क्या हो गया? ये वाटर सॉल्युबल हो गया। वाइल अगर टर्शियरी अमीन डेरिवेटिव है तो वो मेरे लिए क्या हो गई बच्चों? लिपिड सॉल्युबल डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन आया कि जितनी भी मेरी लिपिड सॉल्युबल डेरिवेटिव है सब में क्वार्टनरी अमोनियम डेरिवेटिव, सॉरी टर्शियरी अमोनियम डेरिवेटिव, टर्शियरी अमोनियम डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे। ठीक, ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नियोस्टिग्मिन कहां यूज होगा? सबसे मेजर ड्रग ऑफ चॉइस माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज होगा, पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन में यूज होगा, क्यूरेयर की पॉइजनिंग में यूज होगा, इन सब जगह इसको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड आया, तुरंत मेरे बच्चे बता देंगे सर ये तो वाटर सॉल्युबल है, बता दोगे कि नहीं? चलिए बेटा, चलिए देख लो, यहां पे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्वार्टनरी अमोनियम डेरिवेटिव। और ये डायग्नोसिस माइस्थीनिया ग्रेविस, सुनो माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए इड्रोफोनियम और ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मिन। अब बच्चों आपके माइंड में ये जरूर कंफर्म होगा, सर क्यूरेयर क्या है? अवनीश सुनो, क्यूरेयर क्या है? हमारा जो क्यूरेयर होते हैं, सुन लो, क्यूरेयर एक प्लांट होता है, क्यूरेयर प्लांट होता है जो अभी नहीं, पहले मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे क्यूरेयर हमारा एरो पॉइजन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? पहले आपको पता है ना कि आज हम बंदूक हैं, मशीन गन हैं, तोप हैं, मिसाइल है, आज की डेट पे ये सारी चीजें हैं। पहले के टाइम पे, अरे बाहुबली मूवी देखा है ना, क्या देखा है कि पहले जो वॉर होते थे एरो से होते थे। तो क्या सिर्फ एरो लगने से इंसान मर जाता था? नहीं, वहां पे क्या होता था, एरो में एक पॉइजन लगाया जाता था, वो पॉइजन क्या होता था? क्यूरेयर होता था। क्या होता था? क्यूरेयर होता था। और इसी क्यूरेयर को यूज किया जाता था एरो में पॉइजन के रूप में। और जब कोई पेशेंट क्यूरेयर उसमें लगता है तो ये बॉडी में क्या कॉज कर देता है बेटा? पैरालिसिस कॉज कर देता है। बात करोगे सर कैसे? तो एक ड्रग आपने नाम सुना होगा,
डी ट्यूबोकुरारिन, याद आ रहा है कि नहीं? डी ट्यूबोकुरारिन नाम सुना है? हाँ जी, वही डी ट्यूबोकुरारिन, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट वाला। ये स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट डी ट्यूबोकुरारिन होता है जो पैरालिसिस कॉज कर देता है। अब अगर किसी पेशेंट में, सुनो, अब अगर किसी पेशेंट में हमारा क्यूरेयर, यानी हमने बात किया डी ट्यूबोकुरारिन की पॉइजनिंग हो गई, उस केस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? नियोस्टिग्मिन हो जाएगी। थैंक यू बेटा निधि। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा बाहुबली, कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रेरित कर दूं कि बाहुबली देख लो। चलो आ जाओ सर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस इज व्हाट? नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट के लिए, नियोस्टिग्मिन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारी आती है टैक्रिन। टैक्रिन की बात किया तो क्या बात किया कि टैक्रिन हमारे एल्जाइमर डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस थी। सुनिएगा मेरी बात, एल्जाइमर के लिए मेरी ड्रग ऑफ चॉइस थी, बट इसमें बाद में पता चला कि ये ड्रग जो है ये हिपैटोटॉक्सिसिटी करती है। क्या है? हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर को डैमेज करती है। लीवर डैमेज करती है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। तो बात करोगे सर आज की डेट पे, तो भैया आज की डेट पे हमारी जो ड्रग यूज होती है, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामिन, ये तीनों ड्रग आज की डेट पे हमारी यूज की जाती हैं। क्या सर बाकी एसिटाइल कोलीन एगोनिस्ट नहीं देके यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, सर दूसरे एरो पे नियोस्टिग्मिन लगाकर मारोगे तो पैरालिसिस नहीं होगा। ओके, अच्छा था, बढ़िया, एक नंबर। चलो आ जाओ आगे चले, आप डोनेपेजिल यूज करते हैं, करेक्ट है? बहुत बढ़िया वंशिका, वेरी गुड। जी हाँ, अब हमारी डोनेपेजिल है, टर्सरी और क्वार्टनरी। ओके, आज की डेट पे हमारी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, डोनेपेजिल यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या बोला था? ऑल इरिवर्सिबल और नॉट यूज थेरेप्यूटिकली और नॉट यूज क्लिनिकली एक्सेप्ट इकोथियोफेट। इकोथियोफेट के छोड़ के बाकी कोई भी ड्रग हमारी क्लिनिकली आज की डेट पे यूज नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोले कि इरिवर्सिबल ड्रग हमने बोला क्लास ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में पैराथियोन, मेलाथियोन, इकोथियोफेट, डाइफ्लॉस, डेबोन, सेमिन, सोरन, हमारी सारी आ जाती हैं। और कार्बामेट्स में कार्बेरिल एंड प्रोपोक्सर आती है। अच्छा ये बताओ, कभी आपने बेगोन यूज किया है, काला हिट यूज किया है? ठीक है, लाल हिट, काला हिट जो भी आते हैं, कभी इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है पीछे? भैया यही होता है, ये कार्बेरिल प्रोपोक्सर यही सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, निधि नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि आपके फेवरेट जिद क्लास सीरीज अल्टरनेट डेज पे होगी, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, आप लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो, मैं बेचारा शांत हो जाता हूं। चलो, और इकोथियोफेट की पॉइजनिंग में हम एंटीडॉट क्या यूज करेंगे? एट्रोपिन यूज करेंगे। फिर इनका यूज है कहाँ बेटा, बता तो दिया, इनका यूज है ही नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया ना कि मच्छर मारो, कीड़े मारो, कॉकरोच मारो, इन सब में इसका यूज होता है। ऑल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर लिपिड सॉल्युबल। चलो सर एमसीक्यू कराओ। ठीक है बेटा, फतेह किशन, बंद कर दो फिर ये क्लास, एमसीक्यू कराऊं? आप लोग सोच लो यार, माइस्थीनिया ग्रेविस। थैंक यू बेटा निधि, चलो आ जाओ। माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस पे जाने से पहले मैं एक्चुअली आप लोगों को कुछ और पढ़ाने के मूड में हूं, ग्लाउकोमा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया हमारी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है, क्या काम करती है, सेरेटोनिनएसिटेज रिएक्टिवेटर, पाइरिडॉक्सिम हाइड्रोक्साइड ड्रग है। बहुत बढ़िया बेटा दिशा, हां जी उसके बारे में भी बात करूंगा एंटी कोलिनर्जिक में।
सर अगर जीपैट की स्टडी अभी स्टार्ट करेंगे तो क्या 2022 में क्वालिफाई हो सकता है? डिपेंड करता है खान कि आप क्वालिफाई करना चाहते हो या नहीं बेटा, ठीक है? सबा इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए ओके ओके बेटा, लेना, थैंक यू। चलो ग्लाउकोमा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, दूर करना चाहोगे? ठीक सर, स्लो ज्यादा हो रहा है क्लास, धीरज तेज कर दूं? जैसा आप बोलो, आ जाओ आ जाओ। ग्लाउकोमा क्या है? ग्लाउकोमा भाई क्या है? ग्लाउकोमा सुनो, नहीं इससे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, ग्लाउकोमा क्या है? हमारा ये है आई, हमारा ये है आई ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। अब जब मेरा आई ऑर्बिटल है, अब पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं पहले उतना समझ लीजिए, फिर बात करूंगा। यहां पे मेरा क्या है? ये है मेरा क्या? प्यूपिल। पिपिल में क्या है? लेंस है। लेंस के ऊपर मेरी क्या है? यहाँ पे लगी हुई है आयरिस मसल्स, आयरिस मसल्स हो गई। यहाँ पे मेरी क्या है? सीलरी बॉडी लगी हुई है। ये पीछे का जो मेरा है ये क्या है? मेरा विट्रस ह्यूमर फिल है। और यहाँ पे मेरा क्या है? एक्वस ह्यूमर फिल है। सुनिएगा, विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है। ये बैक साइड से अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मेरी रेटिना निकलती है, रेटिना नर्व निकलती है जो मेरे ब्रेन तक जाती है और मुझे विजन का एहसास कराती है, पहला चीज। अब क्या हुआ? अब सपोज यहां पे ऐसा हुआ कि मेरे ये जो आई है ना, इसमें हमारा फ्लूड क्या क्या हुआ? सुनो, इसमें मेरा फ्लूड क्या क्या हुआ? एक्वस ह्यूमर हुआ एंड विट्रस ह्यूमर हुआ। ठीक, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर हुआ। नाउ जब ये एक्वस ह्यूमर, अभी खाली मैं एक चीज को लेता हूं, विट्रस ह्यूमर छोड़ दो, मेरा जो एक्वस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर हमारा बॉडी में बनता किससे है? ये हमारे सीलरी बॉडी, हाँ जी, सीलरी बॉडी, सीलरी बॉडी में जो हमारी इपिथीलियल लेयर होती है, क्या होता है? इपिथीलियल लेयर होती है। इस इपिथीलियल लेयर से मेरा प्रोड्यूस होता है क्या? एक्वस ह्यूमर। अब ओके सुनो, मैंने क्या बोला कि जब मेरे बॉडी में एक्वस ह्यूमर है, इस एक्वस ह्यूमर का एक प्रेशर होता है, कितना होता है? 10 to 21 mmHg, कितना होता है? 10 to 21 mmHg होता है। अब सपोज मेरे आई में एक्वस ह्यूमर का कंसंट्रेशन बढ़ा, आई में एक्वस ह्यूमर का कंसंट्रेशन बढ़ा। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसकी वजह से मेरे आई में प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब जब वो प्रेशर 21 mmHg से ज्यादा हो जाता है, जब वो प्रेशर 21 mmHg से ज्यादा हो जाता है, क्या ज्यादा हो जाता है? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, या इसी को बोलूं इंट्रा ऑकुलर टेंशन। तो जब IOT या IOP बढ़ जाता है 21 mmHg से ज्यादा, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाउकोमा बोलते हैं। कंफर्म करिएगा बेटा, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आया कि हमारे बॉडी में एक्वस ह्यूमर, आई में एक्वस ह्यूमर सिलरी बॉडी इपिथीलियल लेयर से रिलीज सिक्रीट होता है। नॉर्मल उसका हमारा जो प्रेशर होता है 10 to 21 mmHg होता है, लेकिन जैसे ही एक्वस ह्यूमर का कंसंट्रेशन बढ़ा, वो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ाएगा, वो प्रेशर बढ़ाएगा जितना, जब वो प्रेशर 21 mmHg से ज्यादा इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसी को ग्लाउकोमा बोला। तो चलिए बच्चों ये बताओ ग्लाउकोमा क्या है, ये एकदम आपके दिमाग में बात आ गई कि नहीं? अब इस ग्लाउकोमा में क्या होगा? ये जितना ज्यादा प्रेशर यहां बढ़ेगा,
मेरी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। ये जो ऑप्टिक नर्व यहां से निकल रही है ये डैमेज हो जाएगी बच्चों। और अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई भैया, मुझे वीक, मेरी आई साइट वीक हो जाएंगी, धुंधला दिखेगा, नहीं दिखाई देगा, ब्लाइंडनेस तक कॉज हो सकती है। किसकी वजह से? ग्लाउकोमा की वजह से। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी कंफर्म करो मेरी बात बेटा। साफ सफाई करता है, ब्लरिंग इन विजन, ठीक है। क्या बोला? इट इज द ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज। प्रोग्रेसिव फॉर्म क्यों बोला? जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा नर्व डैमेज उतना ज्यादा होता चला जाएगा। कम प्रेशर कम डैमेज, ज्यादा प्रेशर ज्यादा डैमेज। मैंने वही बोला, जैसे मेरी क्लास में कम बच्चे मेरा कम इंटरेस्ट, मेरी क्लास में ज्यादा बच्चे मेरा इंटरेस्ट दो गुना चार गुना हो गया। नहीं, बच्चे मुझे सुनना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को मैं और पढ़ाऊं मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जब बच्चे कम, ठीक है ना यार, 200-300-400 बच्चे आते हैं, ठीक है चलो पढ़ा लेते हैं, ठीक। क्योंकि बेटा मैं हमेशा, मेरी जो लाइव क्लासेस मैक्सिमम होती है वो नियर अबाउट जीपैट क्यों होती है? क्योंकि वहां पे मेरी क्लास में 2000-2500 बच्चे दिखते हैं, तब मजा आता है कि हाँ यार क्वेश्चन बच्चों का आता है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ यार किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कितना कहने के बाद, इतना बेस्ट देने के बाद भी ये चीज थोड़ा सा ना डुलमुल डुलमुल मन नहीं करता है बेटा। सुनो चलो आ जाओ। क्या बोला? दिस इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद रेज इंट्राओकुलर टेंशन मोर देन 21 mmHg। इंट्राओकुलर टेंशन 21 mmHg से ज्यादा हो जाता है। अब बात करें इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता है। हाँ जी, इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता है। मेन रीजन क्या है? नहीं पता है। सुनो चलो आ जाओ। कृष्णा कुछ आप कहना चाहते हो बेटा? अरे टीचर तो सारे पागल होते ही है यार, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, कुछ नई चीज बताओ। आ जाओ अब सुनो, जो मेरे ग्लाउकोमा है, ये ग्लाउकोमा दो टाइप का होता है। एक जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्यूट ओपन एंगल ग्लाउकोमा, और दूसरा क्रॉनिक क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। एक्यूट ओपन एंगल ग्लाउकोमा, क्रॉनिक क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। सर पिलोकार्पिन सिलरी मसल्स को रिलैक्स करेगी? बस थोड़ा सा बेटा अंजलि, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, बस अगला पॉइंट यही बताने वाला हूं, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। क्या बता रहे हैं सुनो, अब पहले ये एक बार थोड़ा सा इस पिक्चर को आ जाओ, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्या है? ये है मेरी सीलरी मसल्स, यहाँ पे है मेरी ये सीलरी बॉडी। ये सीलरी बॉडी से मेरा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ। ये एक्वस ह्यूमर यहां से मूव करना शुरू किया, जो एरो बना रहा हूं उसको देखते चलो। एक्वस ह्यूमर यहां से प्रोड्यूस हुआ, अब ये एक्वस ह्यूमर आगे भर गया, फिल हो गया। ये मेरा क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लेके, ये मेरा क्या है देखो, ये मेरा क्या है, प्यूपिल है। ये पीछे का विट्रस ह्यूमर है उसको छोड़ दो, ये मेरा लेंस है, ये मेरा इसमें क्या है, लेंस है। ये मेरा पूरा इधर ही सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर को छोड़ के खाली एक साइड की बात कर रहा हूं। अब होता क्या है, तो यहाँ पे मेरा एक्वस ह्यूमर बढ़ने लगा, यहाँ पे मेरा एक्वस ह्यूमर बढ़ने लगा। अब जब एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा, एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई जब ज्यादा बढ़ेगा तो इसका एक्सक्रीशन भी होता है। एक्वस ह्यूमर के एक्सक्रीशन के दो पाथवे होते हैं। पहला और मेजर पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रैबेक्यूलर पाथवे। ये मेजर पाथवे होता है और 90% एक्वस ह्यूमर का एक्सक्रीशन ट्रैबेक्यूलर पाथवे से होता है, पहला चीज। तो ट्रैबेक्यूलर पाथवे कहां लेके जाता है भैया? ट्रैबेक्यूलर पाथवे मेरा एक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्क्लेम। क्या? कैनाल ऑफ स्क्लेम। क्या बोलते हैं? कैनाल ऑफ स्क्लेम। तो मतलब मेरा जो एक्वस ह्यूमर है वो जब कैनाल ऑफ स्क्लेम के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, उस पाथवे को बोलते हैं ट्रैबेक्यूलर पाथवे। क्या बोलते हैं? जब मेरा एक्वस ह्यूमर इस कैनाल ऑफ स्क्लेमेन या स्क्लेमेन कैनाल, कुछ भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, कैनाल ऑफ स्क्लेम बोलो या स्क्लेम कैनाल बोलो, ठीक है।
तो जब कैनाल ऑफ स्क्लेम या स्क्लेम कैनाल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, 90% से ज्यादा एक्वस ह्यूमर इसी रूट से सिक्रीट होता है, इसलिए इसको मेजर रूट बोलते हैं। और ये इसका नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों? ट्रैबेक्यूलर पाथवे। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आता हूं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि हमारा जो माइनर है उसको हम बोलते हैं क्या? यूवियोस्क्लेरल पाथवे, यूवीओ, यूवियोस्क्लेरल पाथवे, यूवियोस्क्लेरल पाथवे। और थ्रू द यूवियोस्क्लेरल पाथवे मेरा जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कहां से एक्सक्रीट आउट होता है? स्क्लेरा से एक्सक्रीट आउट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय द ट्रैबेक्यूलर पाथवे एक्वस ह्यूमर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द कैनाल ऑफ स्क्लेम एंड बाय द यूवियोस्क्लेरल पाथवे एक्वस ह्यूमर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द स्क्लेरा। चलो, यहां समझ में आ गई बात? ओके, अब मैंने क्या पॉइंट आपको बोला कि सपोज मेरा ये एक बलून है और इस एक बलून में मैंने क्या किया? वाटर फिल करना शुरू किया। सुनो, अगर लगातार इसमें मैंने वाटर फिल करना शुरू किया, लगातार इसमें वाटर फिल करना शुरू किया तो धीरे धीरे इसका प्रेशर इनसाइड का बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें छोटा सा सुराख कर दिया, छोटा सा क्या कर दिया? होल कर दिया, तो ये जो वाटर है, फ्लूड है, वो यहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिससे इसमें प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि दो चीजें समझो, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या तो एक्सक्रीशन घट जाए। मतलब अगर मेरा प्रोडक्शन या सिंथेसिस, कुछ भी बोलो, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ या एक्सक्रीशन डिक्रीज हुआ, दो में से कोई भी एक कंडीशन आएगी तो मेरा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जब मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो वही चीज क्या करेगा? इंट्राऑक्युलर टेंशन बढ़ाएगा और ग्लाउकोमा लीड करेगा। अब आपको मैंने क्या बोला कि एक्सक्रीशन होने के लिए दो पाथवे हैं बच्चों, ट्रैबेक्यूलर पाथवे और यूवीओ स्क्लेरल पाथवे। याद आ गई कि नहीं? मतलब इन दोनों पाथवे के थ्रू अगर एक्सक्रीशन कम हो गया तो ग्लाउकोमा, या एक्वस ह्यूमर का सीलरी एपिथेलियल बॉडी से, सीलरी एपिथेलियल बॉडी एपिथेलियल बॉडी से प्रोडक्शन बढ़ गया तो भी एक्वस ह्यूमर। तो अब जो मेरी ड्रग काम करेंगी वो कहां काम करेंगी? वो या तो इस प्रोडक्शन को इनहिबिट करे और या तो इस एक्सक्रीशन को बढ़ा दे। अगर प्रोडक्शन कम तो भी प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सक्रीशन ज्यादा तो भी मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। कंफर्म करो बेटा, ये बात समझ में आई? ट्रैक टेक्स्ट करते रहो कृष्णा जब तक सर नहीं देखते। क्या हो गया बेटा? ओके, कोई बात नहीं बेटा कृष्णा, कोई बात नहीं। चलो, ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चों? ओके, ये बात समझ में आ गई तो मैं अब आगे चलूं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा कौन सी ड्रग मैं दे दूं कि ग्लाउकोमा सही हो जाए। चलो, ड्रग नहीं पता होगा लेकिन आपको टारगेट पता होगा कि मुझे एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करना है और एक्सक्रीशन को बढ़ाना है। इतना तो पता चल गया ना? ओके, आगे बात करते हैं। थैंक यू बेटा विष्णु। अब अच्छा, ये तो हो गया। अब बात आई कि सर ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा का क्या मतलब है? ग्लाउकोमा तो ग्लाउकोमा, इसमें एंगल कहां से आ गया? हां जी, ओके, आओ थोड़ा बात करते हैं। आइए 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 आइए, ये पिक्चर आप सभी को दिख रही है ना बेटा? थोड़ा सा इसको जूम करूं क्या?
मुझे लगता है जूम करने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलो दिक्कत हो जाएगी तो आप लोग मैनेज कर लोगे। अभी पिक्चर कंफर्म हो रही है तो आगे बात करें। सर महाराष्ट्र वैकेंसी, ओके छोड़ो 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 प्लीज, इधर उधर की बातें नहीं। अब देखो हुआ क्या, हो क्या रहा है। ये है मेरी आयरिस, ये है मेरी क्या आयरिस, ये लेंस है, यहां से मेरा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है और इसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होके ये है मेरा स्क्लेम कैनाल और ये है मेरा स्क्लेरा, ये है स्क्लेरा, ये है स्क्लेम कैनाल, इसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो दो पाथवे, एक ये वाला पाथवे, एक ये वाला पाथवे। चलो ये तो बात की बात है। अब अगर सपोज ऐसा है, सपोज जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, क्या बताई कि अगर प्रोडक्शन यानी सिंथेसिस बढ़ गया है या एक्सक्रीशन यानी मेरा जो रिमूवल है, एक्सक्रीशन डिक्रीज हो गया है, इन दोनों की वजह से अगर ग्लाउकोमा डेवलप हुआ है तो मेरा वो कहलाएगा क्या, ओपन एंगल ग्लाउकोमा। मतलब अब अच्छा सुनो, पहले सुनो सुनो सुनो, अब मैंने क्या बोला, सपोज अगर मेरा ये आयरिस कुछ ऐसी हो जाए, ध्यान से समझिएगा, सपोज ये मेरी आयरिस ऐसे हो गई तो यहां से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ, यहां तक एक्वस ह्यूमर आया, लेकिन आगे आगे क्या है, आगे मेरी ये आयरिस जो है ना, ये पूरी आयरिस यहां पे ऐसे बनी हुई है। अब क्या हुआ, ये आयरिस ने ब्लॉक कर दिया, यहां तक आयरिस, इधर लेंस, तो मेरा जो एक्वस ह्यूमर है ये आगे यहां से नहीं जा पाएगा, तो यहां पे मेरा एंगल क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। और पहले वाले को मैंने क्या बोला था, ओपन एंगल ग्लाउकोमा। कब केस में, किस केस में, जब सपोज मेरा ये एक्सक्रीशन होने के लिए जा तो रहा है लेकिन एक्सक्रीशन कम हो रहा है, तब मेरा ये था ओपन एंगल ग्लाउकोमा। चलो बताओ बेटा, मेरा ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा क्लियर हो गया। चलिए ओके ठीक है, बहुत बढ़िया लवली बच्चे, आगे बात करें, आ जाओ। यही यही दिक्कत होती है, यही तो दिक्कत है। आइए बात करते हैं। थैंक यू बच्चों, टीयर्स आंसू है, हाँ टीयर्स आंसू है। ओके देखो अब सुनो, अब मेरा टारगेट क्या है, आपके माइंड में बस चुका है, मैंने क्या बताया कि ग्लाउकोमा के लिए मुझे ड्रग दो टाइप से काम करने वाली चाहिए, एक वो चाहिए जो मेरे एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करे, डिक्रीज करे, और दूसरी वो चाहिए जो एक्वस ह्यूमर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करे, यही चाहिए कि नहीं, प्लीज। चलो आगे बात करते हैं। अब एक्वस ह्यूमर को सिक्रीशन को डिक्रीज कौन करेगी, बेटा देखो फार्माकोलॉजी ऐसी चीज है ना, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है, ये चीज हमेशा समझना। अब अगर मैं बात करता हूं, सपोज मेरा आई है, ठीक, अब आई में मेरे दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक रिसेप्टर मेरा क्या होता है, अल्फा टू रिसेप्टर होता है, और दूसरा मेरा यहां पे बीटा रिसेप्टर होता है, कौन सा, बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब अल्फा टू का एक्टिवेशन होगा, जब अल्फा टू का एक्टिवेशन होगा तो एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस इनहिबिट होगा, और जब बीटा का ब्लॉकिंग होगा, बीटा ब्लॉक होगा, तब भी मेरा एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर मेरे यहां प्रेजेंट हैं। तो एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन को डिक्रीज करने वाली ड्रग, आइए बात करते हैं। हमने बोला क्या, मैं जो बोलू खाली उतना याद रखिएगा, सॉरी क्या बोला, अल्फा
अल्फा बाइंडर, अल्फा बाइंडर। चलो बेटा जल्दी कंफर्म करो ट्रिक जो आप लोगों को पढ़ाया था, जल्दी बताओ। अल्फा बाइंडर, दूसरा क्या बोला? बीटा ब्लॉकर, अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड। अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड। पहला चीज बोलूंगा, एक्वस ह्यूमर को, सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाली मेरी ड्रग है ए बी सी। एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाली ड्रग है ए बी सी। ए फॉर अल्फा एगोनिस्ट, यानी अल्फा बाइंडर, और अल्फा कौन सा? अल्फा टू एगोनिस्ट। बी फॉर बीटा ब्लॉकर, बी फॉर बीटा ब्लॉकर। सी फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। मिल गए तीनों, ए बी सी, ओके। अब बोला क्या? अल्फा बाइंडर, अल्फा बाइंडर भैया, अल्फा, ए फॉर एप्राक्लोनिडिन, बी फॉर ब्रोमिनिडिन। तो क्या बोला? अल्फा बाइंडर, अल्फा से हो गया एप्राक्लोनिडिन, बाइंडर से हो गया ब्रोमिनिडिन। ड्रग याद हो गई अल्फा बाइंडर के नाम पे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। ब्लॉकर में क्यों बोला सुनोगे? ब्लॉकर क्यों बोला? क्योंकि जितनी बीटा ब्लॉकर हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो ड्रग मेरे लिए यूज होती है, बिटॉक्सोलॉल, लिवोबिनोलॉल एंड टीमोलॉल। तीन ड्रग मैंने बोला, बिटॉक्सोलॉल, लिवोबिनोलॉल एंड टीमोलॉल, ये हमारी ड्रग हो गई कौन सी? बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर से बी से निकाल दिया बिटॉक्सोलॉल एंड ब्यूनोलॉल। बिटॉक्सोलॉल, ब्यूनोलॉल, बीटा ब्लॉकर हो गई। चलो साइड करो, आगे बढ़े। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड, सर ये बैड क्या हो गया? ब्रिंजोलामाइड बी, एसिटाजोलामाइड ए एंड डॉर्जोलामाइड बैड। तो अगर इसको मैं लिख दूं तो बैड, अच्छा उल्टा पुल्टा जैसे भी है, ठीक है, बी डी ए, इसको अगर मैं सीधा कर दूं, आप लोग सीधा लिख लीजिएगा, अब मेरे पास ऐसे ही लिखा है तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो बैड मिल गया कि नहीं? थैंक यू बेटा। बीटा कार में टिम ले आओ, बीटा कार में ट्रिम ले। बेटा 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 देखो, हमेशा ध्यान रखना कि ट्रिक आपकी खुद की जितनी है वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा यही बोलता हूं। आ जाओ, अब क्या बोला कि एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ाना है। आउटफ्लो कैसे बढ़ाएं? आउटफ्लो बढ़ाने के लिए दो पाथवे, हमारे पास दो पाथवे हैं, ट्रेबेक्यूलर पाथवे, यूवियोस्क्लेरल पाथवे। ट्रेबेक्यूलर पाथवे पे काम करने वाली ड्रग मेरी कौन सी हो गई? मायोटिक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शायद इस ड्रग के बारे में बताया था, और ये क्वेश्चन सिर्फ गेट यहां लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जीपैट 2014, हां जी 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या बोला कि हमारी जो ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो काम करती है वो कौन कौन सी ड्रग है? मायोटिक ड्रग है एंड अल्फा टू एगोनिस्ट है। मायोटिक और अल्फा टू एगोनिस्ट, ये अल्फा टू उठा के यहां पे भी आप लिख लोगे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी आप अगर डिपीवेफ्रिन लिख लोगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिपीवेफ्रिन हमारी प्रोड्रग होती है इपिनेफ्रिन की, जो एक्टिव फॉर्म में इपिनेफ्रिन देती है, जो हमारा काम करती है अल्फा टू पे, बट कोई बात नहीं। तो मायोटिक में मेरे पास हो गई पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन। तो मैं बोलता हूं क्या भैया, मुझे एमपी पहुंचना है, मुझे एमपी पहुंचना है, तो माइटोटिक, जो मेरी माइटोटिक है, पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिग्मिन है। और अगर मैंने बोला कि मेरी अल्फा टू एगोनिस्ट कौन सी हो गई? डिपीवेफ्रिन हो गई। ये दोनों ड्रग मेरे ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो को बढ़ाएंगी। नेक्स्ट मैंने बोला यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, जो मेरे यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाएंगी, और ये कौन सी ड्रग होंगी? ये मेरी PGF2 अल्फा एगोनिस्ट होंगी। क्या होंगी? PGF2 अल्फा एगोनिस्ट होंगी। शायद आपने ऑटोक्वाइड प्रोस्टाग्लैंडिन में PGF2 अल्फा का नाम सुना होगा। और यही मेरी ड्रग लैटनोप्रोस्ट एंड बिमेटोप्रोस्ट। ये प्रोस्ट का मतलब ही है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो नाम में लगा है ना प्रोस्ट, प्रोस्ट का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या है? ये एगोनिस्ट। और किस रिसेप्टर के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा के लिए।
सर आप रोज लेक्चर ले लो। अच्छा बेटा, कोशिश जारी तो है बेटा। चलो बताओ, क्लासिफिकेशन याद हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट का एक्टिवेशन लीवर में होगा, एकदम करेक्ट है बात बेटा। हाँ बेटा बताया ना, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। हाँ टोवाप्रोस्ट, बिल्कुल आप जोड़ दो, ट्रोवाप्रोस्ट भी जोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार रिकॉल कर लें, बंद करो इसको, देखना जो मैं बोलूं खाली उतना सुनना। मैंने क्या बोला कि हमारी सबसे पहले ग्लाउकोमा में काम करने वाली ड्रग दो टाइप की, एक वो जो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रही है, दूसरी वो जो मेरे एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रही है। जो प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रही है वो मेरी तीन क्लास की हो गई, एबीसी, अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड। अल्फा बाइंडर बोला तो मेरी हो गई एप्राक्लोनिडिन एंड ब्रोमिनिडिन। नेक्स्ट मेरी बीटा ब्लॉकर हो गई, बीटा ब्लॉकर की बात किया, जहां पे हमने बात किया क्या, हमारी आ गई ड्रग कौन सी, बिटॉक्सोलॉल, लिवोबिनोलॉल, टिमोलॉल, मेटिप्रोलॉल, ये हमारी सारी ड्रग आ गई। नेक्स्ट मैंने बोला कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तुरंत ड्रग आ गई, ब्रिंजोलामाइड, एस्टाजोलामाइड, डोरजोलामाइड आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन बढ़ाने वाली ड्रग, एक्सक्रीशन को कौन सी ड्रग बढ़ाएंगी? एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए ड्रग को दो पाथवे में काम करना पड़ेगा, वेदर इट विल एक्ट ऑन द ट्रेबेकुलर पाथवे और वेदर इट एक्ट ऑन द यूएस्क्लेरल पाथवे। ट्रेबेकुलर पाथवे पे काम कर रही है तो कौन सी ड्रग आ गई, दो क्लास की ड्रग आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक माइटोटिक आ गई, दूसरी मेरी कौन सी आ गई, अल्फा टू एगोनिस्ट आ गई। माइटोटिक में मेरी कौन सी आ गई, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन आ गई, और मेरी अल्फा टू एगोनिस्ट में कौन सी आ गई, डिपिवेफ्रिन आ गई। नेक्स्ट मैंने बात किया यूएस्क्लेरल आउटफ्लो, यूएस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाने वाली ड्रग मेरी पीजीएफ टू अल्फा एगोनिस्ट, लेटनोप्रोस्ट, बिवेटोप्रोस्ट, प्रोवोप्रोस्ट, ये मेरी ड्रग हो गई। चलो बेटा जल्दी बताओ कितना टफ है आप लोगों को? सर आई थिंक यू आर द बेस्ट, आई एडोर यू, रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस मच एफर्ट ऑफ योर। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी कोचिंग फॉर जीपैट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ओके बेटा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड आई होप डेफिनेटली वेरी सून, वेरी सून आपको अदर सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए सर आओ एमपी और हमें आशीर्वाद दे जाना, जीपैट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, वो स्टिकर में है निधि। चलो आगे बात करें जल्दी से इनके बारे में, जो जो भी बताया बस उसी को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। क्या बोला कि मेरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा में बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को बढ़ा देगी, सॉरी क्या करेगी, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन फ्रॉम, सॉरी माफ कीजिएगा, ये इंक्रीज लिखा है, ये इंक्रीज नहीं होगा बेटा, ये डिक्रीज होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग इरर है, आप लोग समझ लीजिएगा। डिक्रीज एक्वस ह्यूमर सिक्रेशन फ्रॉम द सिलरी एपिथेलियम। कौन कौन सी ड्रग हो गई, टिमोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, लिवोबिनोलॉल, कार्टिलॉल, मेटोनिडाजोल, ये हमारी ड्रग आ गई। बात किया अल्फा टू एगोनिस्ट, ये भी ठीक है। हाँ अल्फा टू एगोनिस्ट, फिर यहाँ पे लिख गया यार, कितना टाइपिंग एरर होता है। आप बोलोगे सर आप गलत ही लिखते रहते हो क्या, क्या करूं बेटा गलत लिख जाता है। तो अल्फा टू एगोनिस्ट की बात किया, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर, कौन सी ड्रग आ गई, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर करेगी। कौन सी ड्रग हमने बात किया था, एप्राक्लोनिडिन, ब्रोमिनिडिन, ये एक्वस ह्यूमर को एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेगी। और दूसरा हमारा एक ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो डिपिवेफ्रिन पे काम कर रही थी। अब सुनो मैंने आपसे बोला डिपिवेफ्रिन मेरी प्रो ड्रग है, किसकी प्रो ड्रग है, एड्रेनालिन की प्रो ड्रग है, ये मेरी अल्फा वन अल्फा टू रिसेप्टर पे काम करेगी, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन डिक्रीज होगा और ये मेरी आईओपी डिक्रीज करेगी। यही मैंने आपसे बात की और साथ में यूएस क्लियर आउटफ्लो को बढ़ा रही है। बताइएगा सारी चीजें जो रिकॉल कराया बस वही याद रखिएगा। त्रिपाठी जी मिर्जापुर एंड फार्माकोलॉजी दोनों आपका है, ये नया है बेटा, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा अच्छा वाला ओपी था, बट थैंक यू। ओके चलो आगे बात करें, क्या बात किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हर जगह बेटा गलत ही, वो एक्चुअली दिमाग में इंक्रीज ही बैठा रह गया। एक्ट बाय डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन को डिक्रीज करेगी। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट लो, यहां पे मैंने आपको तीन ड्रग बताई थी, ब्रिंजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड एंड डॉरजोलामाइड, ठीक है, ये तीन ड्रग बताई, इनमें सुनिएगा। अब आप बोलोगे सर एसिटाजोलामाइड तो हमारी डाययूरेटिक है ना, पढ़ा है ना, हाँ जी बिल्कुल डायुरेटिक है। बात करते हैं डॉरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, इन दोनों ड्रग में नो डायुरेटिक एक्शन, इसीलिए इनको हम वहां नहीं पढ़ेंगे,
इनमें डायुरेटिक एक्शन या तो नहीं है या तो बहुत ही वीक है। ओके, ये हमारा पॉइंट यहां पे आता है, इनमें बहुत ही ज्यादा वीक डायुरेटिक एक्शन होता है, इसलिए और ये दोनों ड्रग मेरी टॉपिकली यूज हो सकती हैं, जिनको मैं ग्लाउकोमा में यूज कर सकता हूं, जो मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट आता है। ये पॉइंट मेरा हो गया। तो हमने बोला एसिटाजोलामाइड ओरली यूज होता है और इसमें डायुरेटिक एक्शन होता है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। डॉर्जोलामाइड ब्रेंजोलामाइड में वीक डायुरेटिक या नो डायुरेटिक एक्शन होता है और टॉपिकली यूज कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन हमने बात किया, यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो पे काम करने वाली ड्रग, यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो पे काम करती है और इंक्रीज करती है आउटफ्लो को। लेटनोप्रोस, बिमेटोप्रोस, माइटोटिक, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये क्या करेगी, ड्रेनेज को बढ़ाएगी, ड्रेनेज को बढ़ाएगी और आईओटी को डिक्रीज करेगी। अब ये तो ओपन एंगल की कहानी थी, क्लोज्ड एंगल के ट्रीटमेंट की बात करोगे, मैं बोलूंगा बेटा सर्जरी करवाओ बस, और कुछ नहीं है। बेटा साहिल, इसलिए एड्रेनलिन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एड्रेनलिन देंगे तो हमारे बॉडी में माओ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज और कैटिकोल ओमेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो इमीडिएटली क्या करते हैं, एंजाइम एड्रेनलिन को मेटाबोलाइज कर देते हैं। तो इसलिए देना ना देना बराबर हो जाएगा, बस यही कहानी है। मतलब जैसे आपको अगर जो चीज पसंद है, मान लो आपको बर्गर पसंद है, अब आपको मैंने बर्गर दिया, लेकिन आपका दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है, उसको बर्गर आपसे ज्यादा पसंद है, तो आपके सामने बर्गर दिखेगा तो, लेकिन आपके हाथों में आने से पहले भैया दूसरे के मुंह में चला जाएगा, तो इसलिए आपके लिए बर्गर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही कहानी यहाँ पे है। सर मोस्टली बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, पर ज्यादा पाया जाता है सिंपैथेटिक। क्वेश्चन टू, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिर्फ रिलैक्सिंग कंडीशन और ट्रिपल एफ में रिलीज होता है। जो भी आपका नाम है बेटा, द बीएनटीवी, मेरी बात सुनो, हमारी बॉडी मोस्टली रिलैक्स करती है, ये आपको लगता है हमारी बॉडी मोस्टली रिलैक्स करती है, लेकिन ये आपको लगता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो यार, अभी आप पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी एनर्जी लग रही है, इन सब के पीछे क्या लग रहा है, एड्रेनलिन आ रहा है। ठीक है, तो रिलैक्स होने वाली कंडीशन बहुत कम आती है। खाना हम दिन में 2 या 3 ही बार खाते हैं, तभी डाइजेशन होता है, तभी एसिटाइलकोलिन काम करता है, लेकिन बाकी टाइम तो भैया नॉरएड्रेनलिन अपना काम करता रहता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आज का समरी, आज का कंटेंट। जगरूप वेलकम बेटा, आप बताएं कैसे हैं, कहां हैं? मैं तो बहुत बढ़िया बेटा। सर आप नोट्स भी प्रोवाइड करो, ये लो बेटा, अब इनकी एक नई डिमांड आ गई, पढ़ाएं भी, समझाएं भी और नोट्स भी प्रोवाइड करें, बहुत बढ़िया। चलिए सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सर जीपैट 21, आई गॉट 138 ओनली बाय जीडीसी, हिमांशु। चलिए पहली बात तो चलिए थैंक यू कि हाँ आपको लगता है कि जीडीसी ने आपकी हेल्प किया, बट दिस इज नॉट सफिशियंट, आई होप दिस टाइम यू विल गेट 238। सो मेहनत थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ, डेफिनेटली आपको ये चीजें आगे हेल्प करेंगी। कल से ये बोलेंगे कि पैसे भी दे हमें। प्रतीक अच्छा था, गुड। सर केमिस्ट्री स्टार्ट करो। ओके सर, आप दिन में इतने सारे क्लास लेते हो फिर भी इतनी एनर्जाइज रहते हैं, मैं तो 2 घंटे में संडे को बात थक जाता हूँ। बक पगला, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर जिद मींस, चिन्मयी, जिद मेरी जिद है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरे बच्चों की जिद है कि हमें पढ़ना है, हमें जीपैट क्वालिफाई करना है, और हम सब की जिद है कि हमें फार्मा प्रोफेशन में कुछ अच्छा करना है, यही है जिद, और कुछ नहीं है जिद। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको क्लास का इंफॉर्मेशन दे दूंगा।
अभी पढ़ाया उसका पीडीएफ मिलेगा क्या? अक्षय सिंधे, आई डोंट थिंक सो कि आपको नोट्स की जरूरत है बेटा। सर बस आपसे पढ़ना है। ओके okay. चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप इसके क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं ना, एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमने जितना अभी तक पढ़ा इनसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होने से पहले क्यों ना एक बार आप सभी लोग इसका रिविजन कर लीजिए। सर प्राइम में रोज टेस्ट होता है क्या? अर्पण ऑलमोस्ट हाँ, वीकली तीन दो तीन टेस्ट तो हो ही जाते हैं। आईओटी का मतलब क्या है? इंट्रा ऑकुलर टेंशन। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू बेटा, डेफिनेटली बेटा निधि होगा। कल है क्लास भावना, कल पता चल जाएगा बेटा, वो पता चल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज इंफॉर्मेशन दे दूं, कल की क्लास से मैं एक नया ऐड करने वाला हूं। दोज स्टूडेंट कैन ओनली वॉच माय वीडियोस और ज्वाइन माय लाइव क्लास हु हैव सब्सक्राइब जीडीसी। तो इसलिए अगर आपको ये क्लासेस कंटिन्यू करना है तो सब्सक्रिप्शन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड बेटा, प्राइम ज्वाइन कर लिया। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।